तभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिए और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा है, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है, धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर, अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा, फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया, जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा, तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। महाराज हटकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, कौन से महादेव जम के बोलो जरा, हटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापिस लिया, उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा, संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव जम के बोलिए जरा, हटकेश्वर महादेव का स्मरण।